नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं बाबू हैं आयत परिमाप से संबंधित प्रश्न। देखिए पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बाबू भाई देखिए कैसे, देखिए ये बना आपका आयत, ठीक है, ये क्या हुआ आपका आयत हुआ। तो इसमें जैसे ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई आपकी लंबाई, ठीक है, ये क्या हुई लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब परिमाप आयत का क्या होता है ये जान लेते हैं। आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई जो आप समझ गए हैं, परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से अगर हम कोई इसके चारों तरफ अगर हम घूमते हैं तो ये होता है परिमाप, और जिस इस क्षेत्रफल में जो ये वाला होता है इसको कहते हैं क्षेत्रफल। बेसिक से समझाएंगे, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल। अब बात आती है वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए अगर ये पाँच है तो ये भी पाँच है और ये भी पाँच है और ये भी पाँच, ये क्या है वर्ग है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। और वर्ग का जो परिमाप होता है चार गुणे भुजा होता है, इतना आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। अब बात यह है, बात प्रश्न की, प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न एक कहता है, जरा स्क्रीन पर आ रहा होगा पढ़िए, प्रश्न कहता है सयाना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के किनारे चारों ओर तीन चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ऐसा कोई वर्ग बना होगा जिसकी भुजा एक 70 मीटर है, इसके चारों ओर तीन चक्कर लगाती है तो उसका कितनी उसने दूरी तय की। तो भाई परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होगा क्या होगा, चार गुणे भुजा, बात समझ रहे हैं, चार गुणे भुजा। अब अच्छा एक बात बताओ, भुजा कितनी थी 70 और वह चक्कर कितने लगाया, तीन बाबू लगाया ना, तो चार तियाँ 12 और 12 सती 84 और ये 0, तो वो जानते हो 840 मीटर उसने पूरी दूरी तय की। प्रश्न नंबर दो देखिए, कहता है पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे चक्कर लगाती है। बाम एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर 50 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाती है लगाता है, दोनों में कौन अधिक और कितना दूरी तय करता है। यानी जो ये है क्या नाम तुम्हारा है पिंकी, ये 75 मीटर वर्गाकार है, इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है, और जो बाम है बाबू वो जानते हो वो ये करता है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो दी है क्रमशः वो 160 मीटर और 50 मीटर, 160 मीटर और 50 मीटर दी है। अब इसके चक्कर ये लगाता है और इसके चक्कर ये लगाता है, यानी परिमाप में करता है। तो भाई वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर चार गुणे भुजा, चार गुणे भुजा, तो चार ये हुआ और भुजा ये 75, तो 75 चक्कू कितना हुआ 300, यानी जो ये पिंकी थी वो 300 मीटर चली। अब ये जो बाम नाम का लड़का है ये कितना लगाता है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, तो ये दो हुआ और 160 और प्लस 50, 160 और 50 होते हैं 210, तो ये जानते हो 2 0 0 और 2 1 2 और 2 2 4, तो ये 420 मीटर चला। अब कौन कितना अधिक चला, तो भाई 420 से अगर हम 300 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 0, 120 मीटर जो है ये अधिक चला, कौन, बाम चला अधिक, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको जिसकी लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर दी है। तो भाई आयत की जो लंबाई है वो कितनी है 12 मीटर है और जो चौड़ाई है वो कितनी है 5 मीटर, तो बाबू चौड़ाई कितनी है 5 मीटर की है। अब क्षेत्रफल पूछता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई
और गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5, तो बाबू गुणा करते हैं 12 पंचे 60, ये मीटर लिखिया और ये हो गया वर्ग। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 9 मीटर है। तो बाबू वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है, 9 मीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का भाई क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कर दिया, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नवा कितने होते हैं, 9 गुणे 9, तो 9 नवा 81 मीटर, 81 वर्ग मीटर होगा। तो आप यही आपका आंसर है। देखिए कहता है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई बताइए। तो बाबू जो लंबाई आपकी दी है वो कितनी दी है, जो आयताकार कागज है गत्ता है उसकी जो लंबाई है वो 13 मीटर है, कितने मीटर है 13 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है मान लेते हैं 100 मीटर है, और क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर दे रखा है, वर्ग मीटर दे रखा है। तो भाई आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है 13, और जो चौड़ाई है वो x है, और क्षेत्रफल कितना है 117 मीटर, तो ये कितना हुआ 13x बराबर 117, तो x बराबर 117 बटे 13, 13 नवा 117 होता है, तो चौड़ाई कितनी आ गई 9 मीटर, यही आपका आंसर है। बाबू ये आकृतियाँ दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है। तो देखिए पहले की हम लेते हैं, पहला का देखिए लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, लंबाई और चौड़ाई हमने इसलिए बताया कि देखिए लंबाई जो 6 है और चौड़ाई 3 है, तो हमें लगा ये आयताकार है। तो भाई पहला का हम देखते हैं, आयत का आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये 6 × 3, 6 × 3 = 18 वर्ग मीटर हो गया बाबू इसका क्षेत्रफल। अच्छा परिमाप की बात करते हैं, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भैया 2 और लंबाई कितनी इसकी है 6 और चौड़ाई कितनी है 3, 2 × 6 = 9, तो 9 × 2 = 18, 18 मीटर आया, जिसका वो आया कितना आया 18 मीटर आया परिमाप, और 18 वर्ग मीटर जो आया वो आया क्षेत्रफल। अब बात आती है दो नंबर की, तो 10 मिमी इसमें है और 10 मिमी इसमें है, तो ये कैसा है वर्गाकार है, तो वर्गाकार का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 10 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा 100, और ये मिमी में दिया है मिलीमीटर में, तो मिमी वर्ग मीटर हो जाएगा। परिमाप की बात करते हैं, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, क्या होता है 4 × भुजा, तो 4 × 10 बराबर 10 × 4 = 40, किस पैमाने में था मिलीमीटर में था, तो इसका आंसर ये हो गया। अब आता है बात इसकी, तो देखिए इसमें 1.5 मीटर है चौड़ाई और इसमें 10 मीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है आयताकार होगा, तो भाई आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी इसकी है 10 और जो चौड़ाई है 1.5, तो 15 × 15 और ये 0, एक स्थान बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो 0 हट जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, परिमाप भैया क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 और 10 और प्लस 1.5, तो ये कितना हो गया 11.5, तो 2 × 10 = 0, 11 × 2 = 22, ठीक है, 2 × 10 = 0, 11 × 2 = 22, 23, एक स्थान बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 23 मीटर इसका परिमाप हो गया, और जो इसका वो था वो 15 मीटर हो गया क्षेत्रफल, यही इसके आंसर हो। देखिए ये 4 नंबर बाबूजी आकृति आपकी है बाबू, इसमें क्या देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ को मिला देते हैं तो भाई 5 ये है और 1.5 ये है, 1.5 ये है, कितना हुआ 3 हुआ ना, तो 2 ये है तो 2 ये भी हो जाएगी, तो ये आपकी जो आकृति बनी
वो बनी आयताकार। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1.2 और गुणे 5 तो 12 पंचे 60 और ये 0, तो यहाँ पॉइंट हटा देते हैं तो कितना हुआ बाबू बताओ, ये कितना हुआ 6 वर्ग मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर ये हुआ आपका कितना हुआ आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर ये क्या हुआ, परिमाप बराबर 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 2, तो बताओ 2 गुणे 5 दूनी 7 14 मीटर हुआ। अब आती है इस बात का, यानी जो ए नंबर इसको देते हैं इसको बी नंबर देते हैं। अब इसकी बात देखिए, देखिए 2 और लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 1.2, यानी 2 ये हुआ और ये कितना हुआ 7.6.2। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 12.4 मीटर इसका परिमाप हुआ। अब बात आती है नंबर ए इसको दे देते हैं इसको बी करते हैं, तो ए की जो आकृति होगी वो क्या होगी, वो भी आयताकार होगी। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए 1 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, तो 1 गुणे 2 यानी 3 मीटर हुआ, 3 वर्ग मीटर क्षेत्र, 2 मीटर क्षेत्रफल ये हुआ। अब परिमाप की बात करते हैं, तो 1 मीटर ये और 1 मीटर 2 मीटर ये, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 ये हो गए और 2 मीटर ये, और जो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 मीटर हो गया परिमाप, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर चौड़ाई 50 मीटर है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया लंबाई कितनी है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर और ज्ञात क्या करना है बाबू, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया क्षेत्रफल इसका जो है एयर में ज्ञात करना होगा। तो भैया सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 60 गुणे 50 तो 205 36 वर्ग मीटर हुआ। अच्छा एक वर्ग, एक एयर में, एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं 100 होते हैं, तो क्या करेंगे 30 को अगर हम, ये 3000 को अगर हम 100 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 30 जो है एयर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अवनीश में के क्रिस फार्म की लंबाई 240 मीटर चौड़ाई 110 मीटर है, क्रिस फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। जो लंबाई बाबू है वो 240 मीटर है, कितनी है 240 मीटर, और जो चौड़ाई है वो 110 मीटर है। अब इसको निकालना है एक हेक्टेयर में, यानी हेक्टेयर में इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 240 गुणे 110, तो 20 यहाँ पर रखते हैं, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 4 26, तो ये आया वर्ग मीटर में। अब एक हेक्टेयर बराबर, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 के, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये 226 और 400 जो आया है इसको अगर हम 10,000 से भाग कर देते हैं तो हेक्टेयर में आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 20 बचे तो 2 स्थान बाद अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो ये हेक्टेयर में क्षेत्रफल आ जाएगा, 2.64 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल व परिमाप निकालिए। तो वर्ग का जो, वर्गाकार की जो भुजा है वो बाबू कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर,
यानी 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 12 के होते 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। अब बात आते हैं वर्ग के परिमाप की। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 × भुजा। क्या होता है, 4 × भुजा। तो 4 × 12 बार चौक 48 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका परिमाप, यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 2:3 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनाने का जो खर्च है वो 1.50 प्रति मीटर की दर से है, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। सही है प्रश्न, मानते हैं, माना जो आयत की लंबाई है वो अनुपात में दे रखी है तो 3:1 लेते हैं, और माना आयत की जो चौड़ाई है वो बाबू क्या मानेंगे हम, यहाँ पर 2x। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो 3x × 2x यानी 3×6x² इसका क्षेत्रफल हो गया। अब कहता है जो क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में, कितना दिया है, 1.5। अगर हम इसे वर्ग मीटर में लाते हैं तो क्या करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, 10,000 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और ये 4 0, एक स्थान पर पॉइंट लगाते हैं तो 15,000 वर्ग मीटर हो गया। अब 15,000 वर्ग मीटर ये 6² के बराबर है, 15,000 वर्ग मीटर, तो 6² बराबर 15,000 और बटे 6, 6×12 और 6×5=30 और ये 2 0, तो x बराबर √25 और ये 2 0। देखिए 25 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 5 होगा, 2 0 का 1 होगा, तो x बराबर कितना आया, 50 आया। अब बताओ हमने माना था 3x, अब x का मान आया है 50, तो इसकी जो भुजा होगी वो 5 × 15 यानी 150 मीटर। यहाँ पर हमने 2x माना था चौड़ाई, 50 से गुणा करेंगे कितना होगा, 100 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल तो बताया है, फिर प्रश्न उसने कहा है कि 1.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से मेड़ बनाने का खर्च। अगर हम मेड़ बनाते हैं तो मेड़ कहाँ बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक आयताकार ये है, अगर हम मेड़ बनाएंगे तो क्या करेंगे, परिमाप में तो करेंगे, तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप बाबू होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और 150 और प्लस 100 यानी 250 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। अब कहता है जो इसका खर्च जो है 1.50 रुपये है, यानी करेंगे क्या करेंगे, इसको हम अगर करते हैं तो 3/2, 1.50 रुपये को हम 3/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 25 × 3 = 75 यानी 750 रुपये उसका मेड़ बनाने का खर्च होगा, यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक कार्यालय के 15 दरवाजे पर खस की टटियाँ लगानी हैं, प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टटियाँ लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। बाबू एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर क्या हुई, इसकी चौड़ाई बता रहा है, और जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई है 2.5 मीटर, लंबाई 2.5 मीटर है। ध्यान से देखिए, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयताकार बना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो भैया 1.5 × 2.5, 12×5=60, 12×2=24 और 6×3=30, 2 स्थान बाद 12×5=60, 12×2=24 और ये 30, 2 स्थान बाद पॉइंट लगाया, तो ये हो गया आपका कितना, 3 वर्ग मीटर। अब इसमें 15 जो हैं दरवाजे हैं, तो भैया कितना क्षेत्रफल बनेगा, 15×3=45 और 105 रुपये खर्च दिया है, 105 रुपये खर्च दिया है, तो 105 और 45 से गुणा करेंगे तो 25 और 5×5, 4×5=20 और 4×4 कितना बना, 5 2 और 7
और चार, यानी 4725 रुपये इसका जो है खर्च होगा। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। लास्ट में बताते हैं, बीच में पढ़ाते वक्त कोई बात नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।